नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। हर किसी का सपना होता है कि उसका चेहरा हमेशा चमकता और दमकता रहे, इसलिए आजकल लोग मार्केट में मिलने वाले कई महंगे प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल करते हैं अपने चेहरे पर, ताकि उनका चेहरा हमेशा शाइन करता रहे। लेकिन आजकल भी कई ऐसे लोग हैं जो घरेलू उपचार पर ही विश्वास करते हैं और घर पर ही फेस पैक या स्क्रब बनाना उचित समझते हैं। हालांकि होममेड फेस पैक बनाना काफी फायदेमंद भी है, क्योंकि इसमें केमिकल्स नहीं होते, जिसकी वजह से ये काफी सुरक्षित है। लेकिन आमतौर पर एसेंशियल ऑयल ब्यूटी प्रोडक्ट्स में जो इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें हम अपने होममेड फेस पैक में भी इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दूं कि फेस पैक में एसेंशियल ऑयल इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि वो दही, नींबू और शहद जैसे उत्पादों के साथ अलग तरह से प्रतिक्रिया कर सकते हैं, जो कि फेस मास्क बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली कुछ सामान्य चीजें हैं। हमेशा इन खास तेलों को एक आम तेल के साथ मिलाकर ही इस्तेमाल करें। आप इसके लिए ठंडा नारियल तेल, जैतून का तेल या बादाम तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस एसेंशियल ऑयल की एक से दो बूंदों का इस्तेमाल करें, क्योंकि बड़ी मात्रा में इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन जल सकती है। वहीं आमतौर पर हमने देखा है कि होममेड फेस पैक या स्क्रब बनाए जाते हैं, उनमें बेकिंग सोडा और नींबू का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें आप सभी की स्किन के लिए सुरक्षित हों। नींबू के साथ बहुत बेकिंग सोडा का मिश्रण आपके चेहरे की मुलायम स्किन को खराब कर सकती है। ऐसे में आपको अपने चेहरे पर नींबू और बेकिंग सोडा का मिश्रण का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये जलन या खुजली का कारण भी बन सकता है। वहीं जिन लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव है और उनके चेहरे पर मुहासे भी हैं, उन लोगों को एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसे में घर पर फेस पैक बनाते वक्त ध्यान रखें कि आप उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करें जो आपकी स्किन या त्वचा को सूट करता हो। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।